जॉब में लंबे समय तक रहे हरिनारायणचारी मिश्र ने आईजी का पदभार गुरुवार को ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर आईजी मिश्र ने कहा कि मैं इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इंदौर वासियों की सुरक्षा ही मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। प्रदेश सरकार ने 23 आईपीएस अफसरों की नई पद स्थापना कर दी है। इस सूची में खास बात यह है कि इंदौर में डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र को इंदौर रेंज का आईजी बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी जिले में पदस्थ आईपीएस अफसर को उसी जोन का आईजी बनाया गया। गुरुवार को हरिनारायणचारी मिश्र ने आईजी का पदभार ग्रहण कर लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर आईजी ने अपने आगे के प्लान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व आईजी योगेश देशमुख भी मीडिया से रूबरू हुए। पुलिसिंग एक लगातार इसमें चुनौतियाँ आती है, प्रतिदिन चुनौतियाँ आती है, बल्कि कहें तो कई बार सुबह से शाम तक आपकी चुनौती बदल जाती है। तो इसलिए मैं जरूर, चूँकि शहर में रहा हूँ तो शहर में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे मैं वाकिफ हूँ। लेकिन जो भी चुनौतियां आएंगी, यहाँ एक बेहतर टीम है, उस टीम के मदद से हमारी पूरी टीम एक बेहतर तरीके से काम करेगी। बेहतर कानून व्यवस्था, एक बेहतर सौहार्दपूर्ण माहौल, जीरो टॉलरेंस, मुक्त तौर पर जो अपराध हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनके खिलाफ लगातार सख्ती, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो भी चुनौती होगी उसे पूरी टीम के साथ हम लोग उसमें सबसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि इस पूरे संभाग में हर तरफ एक ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ आने दिनों में काफ़ी एक बड़ी मुहिम चल रही है, एक बड़ा अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में जोर शोर से यह जारी रहेगी, इसी तरह से जारी रहेगी। साथ महिलाओं के प्रति जो अपराध है, बच्चों के प्रति जो अपराध है, उसको लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम करती रहेगी, सख्ती से काम करेगी। और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द, बेहतर कानून व्यवस्था, ये मुद्दे भी निश्चित तौर पे पुलिस की प्राथमिकता में रहेंगे। देखिए, ये पुलिसिंग तो एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, अधिकारी आते जाते रहते हैं और चेयर्स बने रहते हैं, तो जो भी अधिकारी आता है वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है। और मुझे विश्वास है हरिनारायण चारी जी भी उनका फर्स्ट चार्ज एज आईजी जोन रहेगा, बहुत काबिल अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये पुलिसिंग निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और जनता को इसमें राहत मिलती रहेगी। और मुझे विश्वास है समस्त अधिकारी जो भी यहाँ पे आते हैं वो अपना बढ़िया काम करेंगे। पदभार ग्रहण के दौरान आईजी हरिनारायणचारी मिश्र को पूर्व आईजी योगेश देशमुख द्वारा बधाई दी गई और कहा कि शहर की जिम्मेदारी हमारे पास है, प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर से बेहतर सुरक्षा दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।